हाय एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटम। आज का जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जो भी एमबीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेक श्योर करना है आपको कि ये जितने भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है जिसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, वो सारे एग्जाम्स का आपको आइडिया होना चाहिए, सो दैट कि आपका जो एमबीए का ड्रीम है टू ज्वाइन टॉप 20 टॉप 30 बी स्कूल वो पूरा कर पाओ आप। तो अभी हम चलेंगे हमारे पीपीटी में एंड देखेंगे वो सारे एग्जाम्स जो कि आपको देने चाहिए। ओके, नाउ वी विल सी कि कौन कौन से एग्जाम है। सो एट नंबर वन वी हैव कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट है। एग्जाम मोड जो होता है वो ऑनलाइन रहेगा। टाइप जो होंगे एमसीक्यू एंड टीटा क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड टीटा इज बेसिकली कि आपके पास बॉक्स होगा, जो भी आपका आंसर आता है आपको वो फिल करना होता है उस बॉक्स में। देन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 66 रहेंगे एंड 120 मिनट्स आपको इसके लिए मिलते हैं। मार्किंग स्कीम जो होता है, मार्किंग स्कीम इज बेसिकली कि अगर आप सही करते हो तो कितने मार्क्स मिलेंगे एंड गलत करते हो तो कितने मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे कैट के एग्जाम में +3 मार्क्स मिलते हैं आपको अगर करेक्ट होता है आपका आंसर, एंड इनकरेक्ट होने पे -1 काट दिए जाते हैं आपके जो ओवरऑल मार्क्स होंगे उसमें से। देन नोटिफिकेशन रिलीज जो होती है इस कैट एग्जाम की वो जुलाई अगस्त के अराउंड होगा। तो हर साल जुलाई अगस्त के अराउंड कैट की नोटिफिकेशन आ जाती है। ये वंस इन अ ईयर होता है, मतलब साल में एक बार कैट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होती है कैट एग्जाम के वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हो जाता है। एडमिट कार्ड जो रिलीज होगा वो फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के अराउंड हो जाता है। एग्जाम डेट फोर्थ वीक ऑफ नवंबर में होता है। बेसिकली ये लास्ट जो आपका संडे होता है उसमें आपका कैट का एग्जाम रहता है। रिजल्ट जो आएंगे इस एग्जाम के वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम है। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं कैट एग्जाम में वो तीन लेवल के आएंगे, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। तो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फोकस करना कि इजी एंड मॉडरेट लेवल तो एटलीस्ट हो जाने चाहिए, तभी आप एक अच्छा परसेंटाइल ला पाओगे। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो होते हैं इस एग्जाम में वो 2.3 लाख के अराउंड होते हैं। एंड कॉलेजेस जो आप टारगेट कर सकते हो इसमें IIMs आ जाते हैं, एंड इंडिया में 20 टोटल IIMs है, जिसमें हम बैंगलोर, कैलकटा, अहमदाबाद ये टॉप 20 स्कूल्स में भी आते हैं। इसके अलावा जो बाकी टॉप 20 स्कूल्स है वो है FMS, MDI, SPGEN, IITs, IMI, IMT, TAPMI, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट कैट इज कि आप इन टॉप 20 स्कूल्स के अलावा अदर 500 कॉलेजेस है जिनको आप टारगेट कर सकते हो। देन सेक्शंस में आपके पास तीन सेक्शन होते हैं। वन इज VRC, बेसिकली अगर बहुत सिंपली बताऊँ तो ये इंग्लिश होता है। LRDI, इसमें कुछ लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा वगैरह से रिलेटेड केस स्टडी होती है जो कि आपको सॉल्व करना होता है। एंड देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये बेसिकली आपका क्वांट का पोर्शन है और इसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं। VARC के में जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो 24 क्वेश्चन होते हैं, 40 मिनट्स का टाइम मिलता है आपको। LRDI में 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 मिनट का टाइम मिलता है। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अराउंड 22 क्वेश्चन रहेंगे आपके एंड 40 मिनट का टाइम मिलता है। जस्ट टू इन्फॉर्म यू, कोविड के बाद ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, दैट इज वाई कि आपको यहाँ पे 66 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 120 मिनट्स मिलता है। वरना जो पहले कैट का एग्जाम होता था कोविड के पहले, वहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते थे एंड 180 मिनट्स मिलता था आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मूविंग अहेड वी हैव ZAT, जो आपका सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, दैट इज ZAT। ZAT का जो एग्जाम मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। टाइप जो होंगे MCQ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 101 होता है। ये डिवाइडेड होंगे, ऐसा नहीं है कि एक टोटल होगा, नो, इट्स 101 बट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस। 190 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास। मार्किंग स्कीम जो रहेगी इस एग्जाम की, +1 रहेगा करेक्ट आंसर होने पे, -2.5 इनकरेक्ट होने पे काट दिए जाएंगे। GK एंड जो आपका एसे राइटिंग का एक सेक्शन होता है वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नोटिफिकेशन आती है इस एग्जाम की अगस्त के अराउंड और ये वंस अ ईयर होता है। इसके अलावा जो आपके एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होंगे वो अगस्त में होंगे। एडमिट कार्ड जो रिलीज होता है वो अराउंड दिसंबर होता है एंड एग्जाम डेट जो रहेगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, बेसिकली फर्स्ट संडे रहता है जनवरी का। एंड रिजल्ट जो आएगी वो थर्ड वीक ऑफ जनवरी तक आ जाता है। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट आपका ये भाई है कैट का, सो ऑलमोस्ट जो आपके जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो सेम होंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है कि ZAT के एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हो, कैट में थोड़ा कम हो, या वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो होते हैं इस एग्जाम में अराउंड 90,000 होते हैं
कॉलेजेस जो होंगे वो एक्सेलराई टारगेट कर सकते हो आप, ये बेस्ट बी स्कूल है जैट के थ्रू, IMT, XIMB, XIME, GIM, ग्रेट लेक्स, टैपमी, फोर लीवा एंड बेस्ट पार्ट 140 अदर्स कॉलेज भी पार्टिसिपेट करते। तो जैट का एग्जाम देते हो तो बहुत सारे कॉलेजेस होंगे जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए। सेक्शन जो होते हैं इसमें डिसीजन मेकिंग होगा, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी होगा एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट जनरल नॉलेज होता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि GK एंड SA राइटिंग आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट टू डिटरमाइन द मेरिट। तो आपका जो परसेंटाइल जो फाइनल रिजल्ट आता है एग्जाम देने के बाद उसमें GK एंड SA राइटिंग कंसिडर नहीं किया जाता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि 0.10 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम फॉर मोर देन 8 अनएंसर्ड क्वेश्चन। तो अगर आप कंटिन्यूअसली 8 क्वेश्चन स्किप करते हो तो आपके 0.10 मार्क्स कट जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि थोड़ा सा यहाँ पे मार्किंग स्कीम का डिफरेंस है कैट एंड जैट के अराउंड अगर आप देखोगे तो। नेक्स्ट एग्जाम इज IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। एग्जाम मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा, टाइप MCQ रहते हैं। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 110 क्वेश्चन होते हैं एंड 120 मिनट्स आपको मिलता है। मार्किंग स्कीम इसकी जो रहेगी +3 रहेगा करेक्ट होने पे। GK का जो सेक्शन होता है इसमें अगर आप इस GK के सेक्शन को सही करते हो तो +1.5 मार्क्स मिलता है एंड गलत होने पे -1.3 आपके कार्ड दिए जाते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज जो होती है इसकी अगस्त के अराउंड हो जाता है, वंस ए ईयर होता है ये। एंड अदर देन दैट एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी सेप्टेम्बर में, एडमिट कार्ड अराउंड नवम्बर तक रिलीज हो जाता है। एग्जाम डेट जो रहेगा वो दिसंबर जनवरी के अराउंड रहता है। इसके अलावा रिजल्ट जो आपके आएंगे वो दिसंबर जनवरी के अराउंड आ जाएंगे। तो जैसे एग्जाम होगा, मान लो दिसंबर में एग्जाम है आपका, तो जनवरी तक आप यू कैन एक्सपेक्ट के रिजल्ट आ जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट, अगेन IIFT, जैट एंड कैट ऑलमोस्ट सेम लेवल होते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहेगा। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो होंगे वो अराउंड 40,000 कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम IIFT में अप्लाई करते हैं। कॉलेजेस जो आप टारगेट कर सकते हो वो 3 कैंपस है IIFT के, IIFT दिल्ली है, IIFT कोलकाता एंड काकीनाडा करके एक और कैंपस है, जो मतलब आप अगर IIFT का एग्जाम देते हो तो इन 3 कैंपस में यू कैन अप्लाई। सेक्शंस इसमें जो रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस होगा, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड जनरल नॉलेज, आई मीन जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है। देन NMAT, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है, रीजन बीइंग कि काफ़ी अच्छे कॉलेज मिलते हैं। नारसी मुझे के जो कॉलेजेस हैं वहाँ से भी पैकेज आपको 20-23 लाख का मिल जाता है ऑन एन एवरेज। तो एग्जाम मोड जो रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी, टाइप MCQs, टोटल क्वेश्चन होंगे 108 एंड जो टाइमिंग मिलती है आपको 120 मिनट्स का मिलता है। मार्किंग स्कीम इसके जो है +3 करेक्ट होने पे, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, तो आप फ्रीली अटेम्प्ट कर सकते हो। नोटिफिकेशन इसके रिलीज अराउंड अगस्त तक हो जाती है, वंस ए ईयर होता है, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, तो साल में 3 अटेम्प्ट आप ले सकते हो NMAT के। एप्लीकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होगा अगस्त के अराउंड हो जाता है नोटिफिकेशन आने के जस्ट तुरंत बाद, एंड एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे ही फॉर्म फिलअप करोगे उस टाइम आपका एडमिट कार्ड यू कैन डाउनलोड इट। एग्जाम डेट जो रहेंगे वो दिसंबर से जनवरी के बीच में रहेंगे, क्योंकि अटेम्प्ट्स आपके पास होते हैं राइट, 3 अटेम्प्ट्स, तो डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं वहाँ पे, फिर आपको एग्जाम देना होता है। रिजल्ट जो आपके आएंगे 48 आवर्स आफ्टर टेकिंग द एग्जाम, मतलब जैसे एग्जाम दोगे 48 आवर्स के बाद यू कैन सी द स्कोर कार्ड। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैट, जैट एंड IIFT एक सिमिलर लेवल के एग्जाम्स हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। NMAT थोड़ा सा कॉम्पेरिजन में ईजी हो जाएगा आपके, ठीक है, ऑल दो इट्स नॉट ईजी बट मॉडरेट लेवल का होगा। कैट, जैट, IIFT की तरफ बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, सो यू कैन ईजिली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। देन नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो होंगे वो 80,000 के अराउंड होते हैं, सो जो कॉम्पिटिशन होगा अराउंड 80-85,000 कैंडिडेट्स के बीच में होगा। कॉलेजेस जो आप टारगेट कर सकते हो, फर्स्ट वन इज NMIMS, नारसिमोजी कॉलेज, बेस्ट बी स्कूल है। देन KJ सोमाया इज ऑल्सो देयर एंड XUV जेवियर्स के कुछ कॉलेजेस हैं, उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। सेक्शन जो इसमें रहते हैं, लैंग्वेज स्किल होता है 36 क्वेश्चन, 28 मिनट्स मिलेंगे आपको। क्वांटिटेटिव स्किल्स के लिए 36 क्वेश्चन अगेन, बट यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा होगा, 52 मिनट्स। लॉजिकल रीजनिंग के लिए 36 क्वेश्चन होंगे एंड 40 मिनट्स आपको मिलते हैं। देन वी हैव स्नैप, सिम्बायसिस के जितने कॉलेज है अगर आप उनमें जाना चाहते हो, वहाँ से MBA करना चाहते हो, तो आपको स्नैप का एग्जाम देना होता है। एग्जाम मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, टाइप जो होंगे MCQs क्वेश्चन होते हैं,
टोटल क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 60 मिनट, ठीक है। आपके पास 60 क्वेश्चंस होते हैं एंड उसको 60 मिनट में सॉल्व करना है। मार्किंग स्कीम रहेगी इसकी कि +1 करेक्ट होने के लिए एंड -0.25 कट जाएंगे अगर आपने गलत किया तो। नोटिफिकेशन जो आती है वो अगस्त के अराउंड आ जाता है। वन से ईयर है, अगेन 3 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं इस एग्जाम में, जस्ट लाइक एनमैट। यहाँ पे भी स्नैप में आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट हो वो सेप्टेम्बर के अराउंड हो जाएगा। एडमिट कार्ड जो आती है वो नवंबर के टाइम पे रिलीज हो जाते हैं। एग्जाम डेट जो रहेगा दिसंबर टू जनवरी, अगेन डिफरेंट स्लॉट्स, 3 अटेम्प्ट आपके पास, तो दिसंबर से जनवरी के बीच में वो होता है रिजल्ट। जैसे ही एग्जाम होगा दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। सो लेट्स सपोज आपने दिसंबर में एग्जाम दिया है, जान तक यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। डिफिकल्टी लेवल जो होगी ईजी टू मॉडरेट। नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ स्नैप कि जितने भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें स्नैप के जो पेपर होंगे काफ़ी ईजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है, बेसिकली स्पीड टेस्ट है। तो अगर आप एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर करना है कि स्नैप का एग्जाम तो आपको देना ही देना चाहिए। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो होंगे 65,000 के अराउंड रहते हैं एग्जाम में। कॉलेजेस क्या क्या टारगेट कर सकते हो? SIBM पुणे, वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल, 2023-25 के अराउंड का पैकेज आपको मिलता है अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो एमबीए के टाइम पे। तो SIBM पुणे को आप कंसिडर कर सकते हो, टॉप बी स्कूल में आता है। SCMHRD इज ऑल्सो देयर, SIOM एंड अदर सिम्बायसिस कॉलेजेस आर देयर, अराउंड 12 और कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो स्नैप के थ्रू। सेक्शन जो इसमें रहेंगे वो जनरल इंग्लिश है एंड जनरल इंग्लिश में आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड देन एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग का भी सेक्शन होता है एंड लास्टली क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशियंसी का सेक्शन रहेगा। देन वी हैव MyCAT। MyCAT जो अहमदाबाद में, अगर आप वो टारगेट कर रहे हो तो आपको MyCAT का एग्जाम देना होता है। अब एग्जाम मोड जो रहेगी आपकी वो ऑनलाइन रहेगा। टाइप्स जो होंगे MCQs भी होंगे एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं। टोटल क्वेश्चन जो होगा 150 क्वेश्चन +100 क्वेश्चन एंड 4 क्वेश्चन। ये डिविजन कैसे होगा मैं बता दूंगा। जो टाइमिंग आपको मिलती है 135 मिनट्स मिलता है इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मार्किंग स्कीम रहेगी +1 फॉर करेक्ट एंड -0.25 फॉर इनकरेक्ट। मार्किंग स्कीम के अराउंड भी एक बात बताऊंगा लेटर ऑन, बट पहले देख लेते हैं सारी चीज़ें। नोटिफिकेशन जो रिलीज होती है वो अक्टूबर एंड नवंबर के अराउंड हो जाएगा। वन से ईयर होता है, बट द बेस्ट पार्ट की 2 अटेम्प्ट होंगे, MyCAT 1 होता है, MyCAT 2 होता है। तो 2 एग्जाम्स आप होते हैं जिनको आप दे सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा अक्टूबर एंड नवंबर के टाइम पे। एडमिट कार्ड रिलीज जो होगी वो दिसंबर एंड जैन, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, MyCAT 1 या MyCAT 2। एग्जाम डेट दिसंबर एंड जैन, अगेन डिपेंडिंग कि आप MyCAT 1 दे रहे हो तो दिसंबर के अराउंड होगा एंड अगर आप MyCAT 2 देते हो तो वो जनवरी में आपका बेसिकली होता है। रिजल्ट दिसंबर फेब्रवरी तक आप यू कैन एक्सपेक्ट कि MyCAT का सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट एंड ऑल एवरीथिंग। डिफिकल्टी लेवल जो रहेगी वो मॉडरेट, अगेन ना बहुत इजी क्वेश्चन होगा ना बहुत टफ, मॉडरेट टू डिफिकल्ट यू कैन एक्सपेक्ट। तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मोस्टली होंगे पेपर में। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो अप्लाई करते हो वो 8,000 है, तो आपका जो कॉम्पिटिशन होगा 8,000 लोगों के बीच में होगा। कॉलेजेस क्या क्या है? यहाँ पे एक कैंपस है MyCAT का जो कि अहमदाबाद में, एंड अगर आपको उस कैंपस में जाकर अपना PGDM कंप्लीट करना है देन MyCAT का एग्जाम आपको देना होता है। सेक्शन क्या क्या होते हैं नाउ, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग होगी बाकी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के कंपैरिजन में। फर्स्ट थिंग कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है। कैट जैट एंड IFT जितने भी एग्जाम है उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होते हैं, बट इस एग्जाम में रहेंगे। एंड सो 150 क्वेश्चन जो होता है वो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट का होता है। देन सेकेंड जो सेक्शन बी होगा आपका, उसमें वर्बल एबिलिटी, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्वान्टिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। तो 100 क्वेश्चन उसके होंगे एंड देन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, यहाँ पे 4 क्वेश्चन होते हैं एंड दैट इज वाई कि 150 क्वेश्चन साइकोमेट्रिक टेस्ट के, 100 आपके सेक्शन बी वर्बल एबिलिटी एंड ऑल, एंड देन सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के होते हैं। सो टोटल आपके 150, 100 एंड 4 ये सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। आप ये एग्जाम MyCAT बेसिकली अगर आप ये करना चाहते हो तो ये मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन का आपका रहता है। आप जब MyCAT से PGDM करते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट कि जो प्रोफाइल्स आपको मिलेंगे वो मार्केटिंग के अराउंड मिलेंगे। दैट इज वाई वो साइकोमेट्रिक का टेस्ट भी करते हैं, वो आपको पहले से जानना चाहते हैं वेदर यू आर बेस्ट फिट फॉर द कॉलेज और नॉट। नोट, कैंडिडेट विल हैव टू टेक एटलीस्ट वन ऑफ द 3 एलिजिबिलिटी एग्जाम्स। आपको MyCAT के अलावा CAT, ZAT और GMAT में भी आपको अपियर करना होता है। टेस्ट
बेसिकली टाटा का जो कॉलेज है, आप अगर उसमें जाना चाहते हो तो आपको टेस्ट का एग्जाम देना होता है। एग्जाम मोड जो रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, टाइप्स एमसीक्यू होंगे, टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे एंड 100 मिनट्स मिलेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। मार्किंग स्कीम रहेगा +1 करेक्ट होने के लिए एंड नो निगेटिव मार्किंग, तो आप फ्रीली ऑप्ट कर सकते हो। इनकेस अगर आपको नहीं आ रहा है आंसर तो यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ द चॉइसेस। नोटिफिकेशन रिलीज नवंबर के अराउंड होती है, वंस अ ईयर एग्जाम होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होगा नवंबर के अराउंड होगा, एडमिट कार्ड जो रिलीज होंगे जनवरी के अराउंड होंगे, एग्जाम डेट जो आपका रहेगा वो जनवरी में होता है, जनवरी फेब यू कैन एक्सपेक्ट मोस्टली जनवरी। रिजल्ट जो आएंगे आपके तुरंत बाद आ जाएंगे, एग्जाम जैसे ओवर होगा फेब में आपका रिजल्ट आ जाता है। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होगी, बहुत टफ नहीं होगा, बहुत ईजी भी नहीं होगा, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे वो 45,000 के अराउंड रहते हैं। कॉलेजेस क्या क्या हो गए, टेस्ट के अलग अलग कैंपस है जिसमें मुंबई, तुलजियापुर, हैदराबाद, गुवाहाटी जैसे कैंपस है जिनके लिए आप टेस्ट का एग्जाम दे सकते हो। सेक्शन क्या रहते हैं, इंग्लिश प्रोफिशियंसी रहेगा, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। देन वी हैव सीमैट। सीमैट का जो एग्जाम मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, टाइप होंगे एमसीक्यूज, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे अराउंड 100 रहते हैं एंड 180 मिनट का टाइमिंग होता है आपके पास। मार्किंग स्कीम इसके रहेंगे +4 करेक्ट होने पे, -1 कट जाएंगे आपके इनकरेक्ट होने पे। नोटिफिकेशन इसकी आ जाती है फेब के अराउंड, वंस ए ईयर एग्जाम होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस फेब में आ जाएंगे, एडमिट कार्ड जो आपका रिलीज होगा वो मार्च के अराउंड होता है एंड एग्जाम फिर मार्च एंड अप्रैल के अराउंड हो जाता है। रिजल्ट जो आएंगे आपके एंड ऑफ अप्रैल तक, यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। डिफिकल्टी लेवल बेस्ट पार्ट कि इसके जो डिफिकल्टी लेवल होते हैं वो ईजी होते हैं, तो एग्जाम बहुत टफ नहीं होगा कैट जैट एंड बाकी एग्जाम्स की तरह, क्वेश्चंस जो रहेंगे वो ईजी रहेंगे। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अराउंड 70,000 एप्लीकेंट्स होते हैं सीमैट के एग्जाम में। कॉलेजेस जो यू कैन टारगेट थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज GIM गोवा, बिमटेक, KJ सोमैया, IFMR, वेलिंकार, जयपुरिया एंड NL दालमिया जैसे कॉलेजेस यू कैन टारगेट। सेक्शन जो रहेंगे लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का भी सेक्शन होता है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। देन वी हैव महाराष्ट्र CET। महाराष्ट्र CET के जो एग्जाम होंगे उसका जो एग्जाम मोड रहेगा वो ऑनलाइन होगा, टाइप्स होंगे MCQs, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अराउंड 200 रहते हैं एंड 150 मिनट्स का टाइम मिलता है उनको सॉल्व करने के लिए। मार्किंग स्कीम +1 करेक्ट होने के लिए, नो नेगेटिव मार्किंग, अगेन यू कैन ऑप्ट चॉइसेस, अगर नहीं आ रहा है तो आप कर सकते हो कोई से भी चॉइस को ऑप्ट। नोटिफिकेशन रिलीज जो होगी जनवरी के अराउंड होता है, वंस ए ईयर एग्जाम होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस आपके जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, एडमिट कार्ड जो रिलीज होगा वो मार्च के अराउंड होगा, एग्जाम डेट जो इसकी होती है वो मार्च के अराउंड रहते हैं एंड देन रिजल्ट मई तक आपका आ जाता है। डिफिकल्टी लेवल अगेन इजी एग्जाम है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। नंबर ऑफ एप्लीकेंट अराउंड 1.3 लाख रहते हैं। कॉलेजेस जो आप टारगेट कर सकते हो इसमें, टॉप कॉलेज में आता है JBIMS, बहुत अच्छा कॉलेज है, ROI वाइज भी बहुत अच्छा है, 6 लाख के अराउंड आपका फीस रहता है एंड यू कैन एक्सपेक्ट एक अच्छा पैकेज जब आप यहाँ से अपना डिग्री कंप्लीट करते हो। देन आफ्टर JBIMS यू हैव SIM श्री सिमश्री है, पूम्बा है, NL दालमिया अगेन एंड देर आर अदर कॉलेजेस CIMR एंड ऑल। सेक्शन जो आपके होंगे लॉजिकल प्लस क्रिटिकल रीजनिंग होते हैं, वर्बल रीजनिंग रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन रहेगा एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड देन वी हैव PGDBA का लास्ट एग्जाम जो होगा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा बिजनेस एनालिस्ट, राइट। सो ये एग्जाम्स वो लोग देते हैं जिन्हें बिजनेस एनालिस्ट का रोल चाहिए होता है, सो दिस एग्जाम इज फॉर देम। एग्जाम मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, टाइप्स होंगे MCQs होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड आपको 180 मिनट्स टाइम मिलता है। मार्किंग स्कीम +3 होंगे करेक्ट होने पे, -1 हो जाएंगे इनकरेक्ट होने पे। नोटिफिकेशन जो आती है वो जनवरी के अराउंड आएगा, वंस ए ईयर होता है ये एग्जाम। एप्लीकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होंगे इसके जनवरी में हो जाएंगे, एडमिट कार्ड जो रिलीज होता है वो मार्च अप्रैल के अराउंड यू कैन एक्सपेक्ट, एग्जाम डेट जो रहेगा अप्रैल में हो जाएगा, रिजल्ट अप्रैल मई के अराउंड आपका आ जाता है। डिफिकल्टी लेवल जो है मॉडरेट है एंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो अप्लाई करते हैं वो 5,000 के अराउंड होते हैं। यहाँ पे जो कॉलेजेस आपको मिलते हैं वो बेसिकली एक जॉइंट कॉलेज, 3 डिफरेंट कॉलेजेस आपको जॉइंटली पढ़ाएंगे एंड इन दैट यू हैव IIM कैलकटा, IIT खड़गपुर एंड ISI कैलकटा भी आपका रहेगा।
तो ये तीन कॉलेज आपको बेसिकली मिलकर पढ़ाते हैं। सेक्शन जो एग्जाम में होंगे वो वर्बल एबिलिटी होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है। नाउ एट आई क्वांटा कई सारे कोर्सेज है, सारे कोर्सेज भी है, कैट जैट आईएफटी एंड मैट, महा एमबीए कोर्सेज भी है एंड जो आपके फैकल्टीज है वो बेसिकली तीन फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं थ्रू आउट द ईयर। इंद्रजीत सिंह सर इज देयर, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आई क्वांटा, सज्जन सर इज देयर, मल्टीपल टाइम्स कैट 99.8% है एंड 9 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। देन वी हैव अभिषेक लीला पांडे सर, अगेन मल्टीपल टाइम्स कैट 99.9%+ है एंड जी मैट भी इन्होंने दिया था, तो उसमें जो इनके स्कोर है जीमैट में 770 out of 800। तो दीज अमेजिंग फैकल्टीज आर देयर टू हेल्प यू आउट। सो इन केस इफ यू आर प्लानिंग की कहाँ से कोचिंग करना है, कहाँ से क्लासेस लेना है, देन आई क्वांटा इज द प्लेस। आई होप आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से एमबीए एंट्रेंस एग्जाम आपको देने हैं एंड कौन से स्किप करने हैं, एंड अगर कोई एमबीए एंट्रेंस एग्जाम देने हैं तो इनके रीजन क्या क्या है। आई क्वांटा ऐसी कई सारी वीडियोस और लेकर आएगा। मेक श्योर करना है आपको कि नोटिफिकेशन आइकन आप प्रेस कर दो एंड सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लेना अगर आपने किया नहीं है तो। थैंक यू।